पहले तो सभी लोगों को प्रणाम। और ये फिल्म बताइए, पूरी टीम नहीं है लॉलीपॉप लगेलू फिल्म? हाँ जी, पूरी टीम आज इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि सब कलाकार अलग अलग जगहों पे बटे हुए हैं, कुछ काम की व्यस्तता की वजह से, और कुछ लोग मलेशिया गए हैं अवार्ड्स के कारण, और कुछ काम की वजह से बिजी हैं, सो इस वजह से नहीं मौजूद है। बट आई एम हियर एंड आई एम सो हैप्पी कि इस फिल्म की शुरुआत हो रही है बड़े अच्छे तरीके से, और इस फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, और कुछ अलग हट के सोचा है हमारे डायरेक्टर ने, और लेट्स सी। अक्षरा जी, जिनमें से दो लड़के जो हैं ये सिंगर्स हैं जी, एक बार फिर से सिंगर्स पर ही भरोसा जताया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, आपने किसी के गाने सुने होंगे या इसमें से किसी को आप जानते हो? मैं तीनों को तो नहीं, बट हाँ इनमें से एक हैं जिनको मैं जानती हूँ। बड़े छोटे थे जब जिला टॉप में होस्ट कर रही थी, उस दौरान वो कंटेस्टेंट थे वहाँ पे, और बहुत अच्छा गाते थे, शुरू से हमने देखा है उनको, और उम्मीद है एज ए हीरो भी अच्छा काम कर सकें और आगे बढ़ें। जब ज़्यादातर जो आपके सामने को आर्टिस्ट होते हैं वो प्रेशर होते हैं या उन्हें एक्टिंग का अनुभव नहीं होता है, तो सीनियर आर्टिस्ट की जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाती है, थोड़ा प्रेशर भी बढ़ता है? 110% ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सीनियर आर्टिस्ट की ही बढ़ती है। बहुत कुछ एज अ फ्रेशर मुझे लगता है कि मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ, तो मैं उस चीज़ का ख्याल रखती हूँ बड़े अच्छे तरीके से, और मैं समझ सकती हूँ कैसा गुजरता है उस वक्त। बिल्कुल नहीं, अभी तो आज तो मुहूर्त है, आज ही बोल दूंगी तो फिर क्या सरप्राइज क्या रह जाएगा। इस फिल्म को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? इस फिल्म के लिए ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अपनी अक्षरा सिंह पर हमेशा से आशीर्वाद प्यार दुलार आप लोगों ने बनाए रखा है, इस फिल्म को भी उतना ही प्यार दीजिएगा, इतनी उम्मीद करके इस फिल्म की शुरुआत करने जा रही हूँ। अभी ये भोले बाबा का दिन चल रहा है और कामक जो है ना, और आपके भी एल्बम आए हुए हैं रिसेंटली, अभी चूहे रे मड़ैया करके एक गाना रिलीज हुआ है, और आज शाम 6 बजे भी मेरा एक और गाना आ रहा है जो कि रिमिक्स टाइप है, सो आई होप जिस तरीके से लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे मेरे पहले गाने को, वैसे ही इस गाने को भी देंगे। एंड हाँ, जिसका सबसे ज़्यादा व्यूअर्स मिला था उस वो दो लाइन सुनाती हूँ जी। सैया के हम समझाई ले बहो, कौनो जुगाड़ बैठाई ले बहो, देवरो के डाटब नंदो के पोटब, लड़ जाए भसुरा से देवघर जाए खाती साचो साखी, भाग जाए ससुरा से। That's it. थैंक यू। ये फिल्म अनाउंस की गई, यहाँ पर पोस्टर भी लॉन्च किया गया है, जरा फिल्म के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए अपनी जबरदस्त आवाज में। पहले तो त्रिपाठी जी आपको बधाई हो, आप हमारे मजाक का सम्मान करते हैं। मैं बहुत प्यार करता हूँ एक्चुअली मैं भी कभी कभी मजाक में कुछ बोल दिया हूँ आपको, क्षमा चाह। अरे नहीं कोई बात, क्या है आप लोग इतने पुराने हो गए ना कि कभी कभी लाइव भी मजाक कर लेने की इच्छा होती है। इस फिल्म के बारे में मैं क्या बोलूँ, फिल्म का टाइटल आप लोग देख ही रहे हैं, लॉलीपॉप लागे जी। यंग जनरेशन की जो कहानी है कॉलेज लाइफ की, इससे जितनी कहानी है, ये कहानी तो रिवील नहीं करनी है लेकिन यंग जनरेशन की ही कहानी होगी, और तीन यंग जनरेशन के लोग हैं इसमें, आप देख रहे हैं मिक्स अमित यादव, तो थ्री इडियट आप लोगों ने देखी होगी, ये थ्री इडियट नहीं होगी लेकिन ये तीन लोगों की ही कहानी होगी, और कैसे उसके जीवन में एक लड़की आती है और सबके जीवन में एक ही लड़की कैसे आती है, कुछ इस तरह का मैटर। प्रकाश जी साहब क्या प्ले कर रहे हैं? मैं इस फिल्म में कह लीजिए तो सूत्रधार कैसा है, और लड़की और इन दोनों इन तीनों लड़कों के बीच की एक कड़ी है मेरा कैरेक्टर, वो मैं कर रहा हूँ। मतलब लड़की पटाने के लिए आप इनको प्रेरित करते हैं?
सकता है कबाब में हड्डी का भी रोल हो, कबाब में हड्डी कुछ इसी तरह का रोल है जो आप से उम्मीद रख ले रहे हैं, कुछ कुछ नया करने की कोशिश करूंगा केटर ये कॉमेडी जॉनर की शायद फिल्म है जिसमें जिसमें प्रकाश जैन को एकदम बाहर ये उस जॉनर की फिल्म है, तो इसमें करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। इसको बहुत आसानी से मैं नहीं लेता, लोगों को लगता है कि बहुत आसानी का काम है, आसानी से हो जाता होगा कॉमेडी क्योंकि मैं कॉमेडियन रहा हूँ, लेकिन हर फिल्म में एक नया रूप गढ़ने में मेहनत का काम है। तो रोल करने से पहले टेंशन तो रहता है कि इसमें नया क्या किया जाए, लाइक 100 से ऊपर फिल्म जा चुकी है उसमें गेटअप थोड़ा अलग हो जाए या बोलने का तरीका अलग हो जाए, कुछ कैरेक्टराइजेशन थोड़ा अलग करके कोशिश तो करता हूँ, किसी न किसी रोल से मिक्स हो जाता है क्योंकि करता तो प्रकाश जैसी जी। जब मैं रंगमंच के जमाने की बात कर रहा हूँ, पटना में निर्माण कला मंच एक संस्था है, संजय उपाध्याय जी हमारे गुरु जी हैं, तो गुरु जी की संस्था में जब हम लोग विदेशी नाटक किया करते थे उस समय से मैं अक्षरा को देख रहा हूँ, बहुत छोटी थी तब से वो उसका रंगमंच की दुनिया में आना जाना बचपन से ही शुरू हो गया, तब से लेकर आज तक उसको मैं बड़ा होते देख रहा हूँ और कमाल की एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा अभिनय कर लेती है, मैं तो रंगमंच में भी देख रहा हूँ सिनेमा में भी, इसलिए चाचा कहती है हमें बेटी है, इस हिसाब से इस फिल्म में देखा जाए तो जो रोल है मैं बता दूंगा तो रिवील हो जाएगी, इसलिए नहीं बता रहा। बताइए प्रकाश जी फिल्म कब तक शुरू कर रहे हैं और कहाँ शूटिंग कब तक आ सकती है? ये विनय जो फिल्म के डायरेक्टर हैं विनय शांडिल्य के अनुसार ये फिल्म अक्टूबर में फ्लोर पे जाएगी और हर मास पीरियड जो होता है तो उसके बाद 14 जनवरी के बाद जो रिलीज जो श्रेणी बनेगी उसमें फ्लोर पे अक्टूबर में जाएगी। बिल्कुल पवन जी का ये गाना इंटरनेशनली तो उसका एक सहारा तो लिया ही गया है और जो चीज़ें हिट होती है वो बिकती भी, कोशिश तो यही है कि ये टाइटल इतना हिट है सब लोग इस टाइटल से परिचित हैं, फिल्म भी कुछ लॉलीपॉप टाइटल टाइप बनती है। शांडिल्य है और मैं करीब पिछले 13 वर्षों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, बहुत सारी नामचीन फिल्में जो भोजपुरी में हिट भी हुई हैं, नेशनल अवार्ड भी लिया है जैसे 7 से लिया, जरा बड़ा सतावल ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में मैंने असिस्ट किया है, राजकुमार पांडे के साथ मैंने 8 साल काम किया है और काफ़ी फिल्में करने के बाद मैं पिछले 2 साल से इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ जिसमें मेरी ये 8वीं फिल्म है जिसका नाम है लॉलीपॉप लागेल। लॉलीपॉप लागेल कहानी के बारे में बताइए। थीम कॉमेडी जिस तरह से फिल्मों का एक जेनर होता है, थीम अगर बोला जाए तो कॉमेडी थीम है जी, और सोशल ड्रामा। और जरा फिर स्टार कास्ट कौन है और फिल्म कहाँ आप शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे? देखिए फिल्म आम फिल्मों की तरह है, जिस तरह से एक हल्की फुल्की सिनेमा स्टार्ट होती है उसी तरह ये फिल्म भी है, लेकिन धीरे धीरे जाके अपने आप में एक सिनेमा का रूप ले लेती है और ट्विस्ट जो हर फिल्म में होता है उस ट्विस्ट की तरह हम फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। आपकी फिल्म है और मेरे प्रिय दोस्त शमशेर से, यानी हम लोग की एक जूरी साजिद सिंह के नाम से हम लोग अभी जाने जा रहे हैं इंडस्ट्री में, पर कई फिल्में अभी हम लोग लिख चुके हैं, कई फिल्मों का शूट चल रहा है अभी, जैसे हमारी फिल्म अभी शूट चल रही है मुंबई में चिराग में, गौरव झा हीरो हैं और एक्चुअली हम लोग की पहली मूवी थी बलवान जो हम लोग रिटेन किए थे और सर ही डायरेक्शन किए थे, और ये दूसरी मूवी है लॉलीपॉप लागेल जो हटके सिनेमा है, कुछ अलग फिल्म कॉमेडी फिल्म है, बस यही कहूँगा और मेरे जो दोस्त हैं वो बताएं। क्या है किसी टॉपिक पे ज़्यादा विचार विमर्श होता है उसके बाद मैं भी लिखता हूँ ये भी लिखते हैं। अच्छा एक ही कहानी दोनों लोग अलग अलग लिख के एक साथ लेके आते हैं? हाँ अलग अलग नहीं,
मतलब एक साथ पूरे ग्राम विचार विमर्श करके मतलब क्या लिखा जाए ये आप लोग पहले बहस करते हैं, पहले बहस करते हैं, संबंधित की कोशिश करते हैं, फिर उसका लिखा जाता है, कंसर्न क्लियर करने के बाद कलम कोई भी चला। अच्छा, कभी इसमें दोनों में कोई बहस होती कि नहीं ये नहीं ऐसा रखना चाहिए ऐसा रखना चाहिए, तो कितनी ये बहस कितनी लंबी तक जाती है? जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकल ले तब तक होती है। तो अंत में जीतता कौन है? जीतता है जो बेटर रहता है, जैसे हम पिक्चर क्या है ग्राम यूजर बेटर वो जीतता है। आप कितनी बार जीते हैं और साथी भाई कितनी बार जीते हैं? तो थोड़ा इंटरनल एक्चुअली क्या है, जीतने और हारने की बात नहीं है, हम लोग दोनों आदमी इस टॉपिक पे बहुत लड़ते झगड़ते हैं वाकई में, और फाइनली जब हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि हमारी चीजें ये क्लियर हो गई, हम दोनों भाइयों की जीत हो जाती है। अच्छा, अक्षरा सिंह को फिल्म में रखा जाए, अक्षरा सिंह वो किरदार निभा सकती है, ये बेसिक आइडिया आप दोनों में से दूसरे दिमाग में कुछ पहले किसके आया? हम दोनों भाइयों के दिमाग में, क्योंकि हम लोग अलग नहीं मानूंगा, एक साथ कैसे दिमाग, इस चीज को मानना पड़ेगा कि हम लोग दोनों भाई अलग आएंगे जो भी हो, क्योंकि हम लोग की 14 साल से दोस्ती है, बचपन से जब हाफ पैंट पे थे तब से हम लोग चलना शुरू किए, आज तो फुल पैंट पहन चुके और टी शर्ट भी आ गई है। इस सिचुएशन में हम एक दूसरे के दिल की बात समझे, लॉलीपॉप ला लू, क्या यही वजह है कि इस पॉपुलैरिटी को इस फिल्म का फायदा मिले इसीलिए टाइटल रखा गया है, या कहानी में सच में कुछ इसका लेना देना है? इसलिए रखा नहीं गया क्योंकि फिल्म एक ऐसी अलग स्टोरी है जिसके कारण से लॉलीपॉप लागेलू रखा गया। अब लॉलीपॉप का मतलब होता है कि कोई इंसान एक अच्छे चीज को देखकर जिसे उसके मुंह से पानी गिर जाना, उसकी इच्छा हो गई कि मैं इस चीज को पा लूं। इसी टाइप से एक कॉन्सेप्ट है कि एक लड़की है और कई लड़के हैं, इस चीज को पाना है, इसीलिए लॉलीपॉप रखे। अच्छा, ऐसा कहूँ जिया न जाए, जिया न जाए, दिल का जख्म सिया न जाए, जिया न जाए, जिया न जाए, दिल का जख्म सिया न जाए। वो हिंदी से पटने वाली नहीं है, भोजपुरी में ही पटेंगे। भोजपुरी वाली रात जैसे धैला दोनों हाथ, अरे वो सही थी अनवा दिया जी, अरे तुरला चोली के रहते सियानवा जुग जुग सिया ये राजा जी, तुरला चोली के रहते सियानवा जुग जुग जिया ये राजा जी। शादी के बाद वाला आइटम शादी के पहले ही पेश कर दिया। शादी के बाद वाला शादी के पहले बताया इन्होंने, मनाया इन्होंने। तीनों के लिए मेरी शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि फिल्म बड़ी हिट हो और आप लोग इसी तरह की मस्ती, इसी तरह का चुलबुलापन आप लोगों का बरकरार रहे। थैंक यू लकी। एक मिनट लकी जी, कुछ इस बैनर के बारे में बताइए कि ये जो कृष्णामुरी फिल्म प्रस्तुति है, ये बैनर किसका है और इसके कौन से बैनर तले बने? कृष्णामुरी फिल्म प्रस्तुति इसके ओनर मनीष जी अभी फिलहाल, उसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, मैं आइडिया बता नहीं सकता इसमें कौन इन्वॉल्व है, बस हम 3 जन अभी मिले हैं, और अक्षरा जी को तो सब लोग जानते ही हैं, प्रकाश जी को भी बहुत लोग जानते हैं, बस अभी इस बैनर के बारे में कुछ खास मैं नहीं कर सकता, जब वक्त आएगा तो आप लोग को सब पता ही चलेगा। ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, एक्चुअली इतने दिन से हम लोग मिले नहीं, जब भी मीरा रोड से मैंने जैसी गाड़ी स्टार्ट की तो वन बाय वन जो गाना चालू हो रहा था माशाल्लाह बहुत अच्छा, ऐसा था कि मतलब आज के डेट में देखा जाए तो दोनों के गाने बहुत टॉप पे चल रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे व्यूवर्स आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग के साथ आगे बढ़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों की जान पहचान थी तीनों की? हाँ, बट मैं इनका गाना बहुत सुनता था एज ए व्यूवर्स, बट आज जो सामने बैठे हैं, बाजू में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोनों में गाने से मेरा मतलब ये था कि ये दोनों गाते बहुत अच्छा है, ये दोनों गा के लड़की पटा लेंगे, आप कैसे पटाओगे? देखिए, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करके ही पटा लूंगा, वैसे ही मेरा इधर फेस है आप लोग देख सकते हैं, तो माशाल्लाह अगर शायद एक्टिंग दिखी होगी तो आप लोग जान ही सकते हैं कि शायद एक्टिंग से ही पटा लें। अच्छा, आप लकी, आपके लिए दोनों कुछ गाना चाहते हैं, टीटू और अमित कुछ गाना चाहते हैं इनके लिए, समझ लीजिए अक्षरा सिंह आपके बीच में बैठी है। हाय अल्लाह, चलिए पटाइए, चला हो जल्दी जल्दी करा, कैसे पटाओगे बताओ, नर्वस? पटाना कोई बड़ी काम नहीं है।
हालांकि अक्षरा जी को मैं तो शुरू से ही जान रहा हूँ, हमारे गिरा टॉप नोवा पे चला था जी, तो उसके हमारे होस्ट, उसके बाद फिर साथ फिर जो उनको प्रोग्राम भी किए, आज यहाँ पर जाने जाए और उनको पता लगे आसान नहीं है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए, कोशिश हाँ तो कीजिए। सीनियर एक्टर हैं उनको तो नानक पूछला पता है दिल उड़वैया से छोड़ के गयलू रानी तू जहिया से लूट गईल करार यार चैन रे लूट गईल करार यार चैन रे बोल गम के बदरिया नैन रे पहल गम के बदरिया नैन रे। जीतू भाई अब आपकी बारी, थोड़ी थोड़ी इंप्रेस हो रही है अक्षरा जी। हो कैसे है जियो हो कैसे है कहूँ जिया न जाए जिया न जाए दिल का जख्म जिया न जाए जिया न जाए जिया न जाए।